हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल है कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे टेस्ट में मार्क्स बढ़े। किसी के मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं टेस्ट में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे और बहुत टेंशन में आ रहे हैं। तो मतलब उसका मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर हम अपने टेस्ट हम भी दे रहे हैं, अभी रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट दे रहे हैं, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं तो पहले आपको वो दिखा दे रहे हैं। हमने कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज किया है तो देखिए कि कितना। उतना तो ज़्यादा मेरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मेरा पहले से बेटर हुआ है। कुछ मार्क्स हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मैंने आज एक टेस्ट दिया था, ये वाला जो टेस्ट है आप देखिए, इसमें मेरे 64 मार्क्स आए थे। आज मैंने दिया था, थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट था। पिछले वाले ग्रुप डी का पेपर है जो 2018 में हुआ था, उसमें 18 सितंबर का कुछ टफ पेपर आया था, इसलिए मेरे 64 मार्क्स आए थे। और कम जाने का इसमें एक रीज़न है कि पहले वाले है 2018 का, तो उसमें जो करेंट अफेयर्स 2016-17 का पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन हमसे स्किप हो जा रहा है, तो 64 मार्क्स इसमें मेरे आए। और हम देखें तो इसमें देखिए, ये है आपका 17 सितंबर, जिसमें 68 मार्क्स मेरे आए थे, वे भी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का ही पेपर है। ये टेक्स्ट बुक का है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बुक का होता है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का दीजिएगा। और इसमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम एक एक करके सारे चीज़ों को बताएंगे। पहले एक एक करके मैं टेस्ट के नंबर देख लीजिए। फिर ये देखिए, मेरे इसमें 18 सितंबर का 64 मार्क्स इसमें आए। फिर देखिए इसमें सारे है, ये सब ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। अब ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट था, आप लोग देखिएगा जाकर तो पता चलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड शिफ्ट, आप लोग जो हम बोल रहे हैं ये देख कर देखिएगा आप लोग का इसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं। पेपर 35 जो 8 अक्टूबर का हुआ था, और यही 8 अक्टूबर को अगला बार का पेपर है, तो आप लोग जाकर देखिएगा। टेक्स्ट बुक का आपको लेना पड़ेगा, 299 का मिलता है, तो आप देखकर देखिएगा। तो ये हो गया, और इसमें देखिए मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ये देखिए इसमें 23 मार्क्स आए हैं। तो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कोई टेस्ट थोड़ा सा ईजी हो जाता है या फिर किसी में ज़्यादातर में कम होने का रीज़न रहता है कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर कुछ में शिफ्ट में ज़्यादा पूछ दिया और 2016-17 का पूछ दिया तो वो तो याद अभी तक रहेगा नहीं, तो इसलिए इस कोई कोई में कम रहता है तो उसमें ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं। तो वैसे 23 मेरे हैं इसमें रॉ मार्क्स, ये सब है नॉर्मलाइज वर्कर, उनको लग रहा है 90+ चला जाएगा। तो ये सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और इसके एक और टेस्ट होते हैं वो भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे कि इसमें 186 टेस्ट है, तो इसमें देखिए मेरे कितने मार्क्स आए हैं, इसमें देखिए इसमें 67 टेस्ट पेपर 5 में आए थे, 67 मार्क्स। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये टेक्स्ट बुक अपने डिजाइन से जो भी लेवल का क्वेश्चन होता है वो अपने डिजाइन से तैयार करते हैं। तो इसमें 67 मेरे आए थे, और देखिए इसमें 66 मेरे आए हैं। टेस्ट पेपर 1 दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से भी टफ क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टेस्ट बुक का अगर कोई ऑफिशियल टेस्ट लगाएंगे तो उसमें थोड़ा आपका मार्क्स कम ही आएंगे। इसमें देखिए मेरे, इसमें एक फ़ायदा हमको हो जाता है कि लेटेस्ट करेंट अफेयर देते हैं, तो इसमें अच्छा नंबर आ जाता है मेरे। तो ये इसमें 23 मार्क्स हो गए, ये देखिए इसमें 65 मार्क्स हो गए, और देखिए इसमें 70 मार्क्स हो गए,
इसमें देखिए 67 मार्क्स हो गए, 67 मार्क्स के आसपास। तो ओवरऑल मेरा एवरेज वही 65-70-75 के आसपास मेरे आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरा अगर इसी को अगर नॉर्मलाइज्ड कीजिएगा तो कम से कम 90+ यही मार्क्स चले जाते हैं। ग्रुप डी वाला जी जो अगले बार हुआ था 60 नंबर वाले का 90 नंबर चला गया था, तो जो मेरे 70 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में वो अगर नॉर्मलाइज्ड होकर 90+ चले जाएंगे यही मार्क्स। अब बात की जाए तो ये तो मेरे मार्क्स थे, अब मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है टेस्ट का, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, जैसे कि कोई भी टेस्ट मैंने जैसे कि ये दिया, अब इसमें जो है मैंने जो ये टेस्ट दिया तो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें है स्कोर मेरा इतना है, इतना परसेंटाइल है, 89 मैंने अटेम्प्ट किया था, एक्यूरेसी मेरा 82 आया, अब कितना करेक्ट कितना रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें है। अब रॉन्ग क्वेश्चन को पूरा मैंने देख लिया कि कहाँ कहाँ मेरे जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, इसको मैंने डिटेल से देख लिया कि कैसे इसमें रॉन्ग क्या हुआ कहाँ हुआ, तो इसमें मेरे रॉन्ग है तो ये देख लिया मैंने। अब जैसे कि जो अटेम्प्ट मैंने नहीं किया उसको देख लिया कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और भी क्वेश्चन है बहुत सारा जिसमें ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये सब जितने भी क्वेश्चन ये सारे अटेम्प्ट मैंने नहीं किए थे, तो ये सब क्वेश्चन को भी मैंने लिख लिया है कॉपी में, और जो मैंने अटेम्प्ट किया भी था उसको भी हम देखते हैं कि क्या वाकई में इससे भी, तो इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन मुझे रहता है और टिक मार देते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम एक कॉपी में लिख लेते हैं। और ये जो सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो थे पहले आप टेस्ट में जो नहीं बनाते थे, अगले वाले टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। धीरे धीरे करते करते अगर आप 10-20 टेस्ट दे देंगे, उसका एनालिसिस अच्छे से करेंगे, तो रिपीटेशन क्वेश्चन होते रहते हैं और उसका आपको फ़ायदा धीरे धीरे मिलते रहेगा, और टेस्ट में अपने आप मार्क्स बढ़ते रहेंगे। और सारे मार्क्स में हम जो 1.5 घंटे का पेपर था, मात्र मुझे ये सब पेपर में 1 घंटा टाइम लग रहा है, मात्र 1 घंटा का टाइम ही लग रहा है मेरे ग्रुप डी में। और वही CHSL वाले के लिए, इसी में CHSL का अगर हम देते हैं तो उसमें लगभग 1 घंटे का पेपर होता है, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इंग्लिश चूँकि अभी पढ़ नहीं रहे, रेलवे NTPC का तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यही था क्वेश्चन का एनालिसिस, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप एनालिसिस कीजिएगा उतना ही आपका स्कोर पोस्ट होगा। तो वही आज का यही टॉपिक था, सोचे कि आप लोग को एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है तो एक अच्छा टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, तो टेस्ट बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। हम करीब 25-30 टेस्ट सीरीज इसमें दे दिए हैं, तो मतलब इसका जो क्वेश्चन का लेवल है एकदम एग्जाम पैटर्न पर ही दिया रहता है, तो आप लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक, और आगे के टॉपिक में बने रहने के लिए कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए उसमें को बनाएंगे हम, आप कमेंट में मेरे बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आगे के वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन फिर मिलेंगे।